बेइंतहा सफर इश्क का तेरा। योगेश अपने नर्सिंग होम में था जब एकदम से दनदनाती हुई वर्तिका उसके केबिन में घुसी तो उसके हाथ से कॉफी का कप गिरते गिरते बचा। योगेश पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह, अरे हाँ यही तो हूँ, फिर इतना हाथ बदाते हुए आने की क्या जरूरत है। योगेश धीरे से कप टेबल पर रखते हुए वर्तिका को अपने सामने बैठते हुए देखता है। वर्तिका आए तो जैसे बहुत कुछ कहने पर अब बिल्कुल शांत बैठी दीवार को घूरने लगी थी। वैसे कल की पार्टी बहुत मस्त रही, तभी तो आज क्लिनिक आने में ही मुझे देर हो गई। बाहर देखा अभी 100 मरीज निपटा कर जस्ट बैठा ही हूँ और तब भी 100 और आदमी बैठे हैं बाहर। खैर कल मजा बहुत आया, वो रेड वाली थी ना उसमें क्या बात थी, मेरे साथ सारी रात डांस करती रही और जो सिल्वर कलर का स्लिप पहने थी उसने तो आज रात की अपनी पार्टी के लिए मुझे इनवाइट भी कर लिया। अपना तो पार्टी में बड़ा वाला चक्कर चल गया, अरे हाँ उसका नाम तो पूछा ही नहीं, चलो आज रात पूछ लूंगा। अपने में डूबा खुश होता हुआ योगेश कुर्सी की पुश्त से पीठ सटाता हुआ वर्तिका की बुझी हुई आंखों को देखता हुआ कहता है, लग रहा है कल सारी रात तुम भी नहीं सोई, वैसे लगता है तुम्हारा कल अरुण सन चक्कर चल ही गया, तभी तो तुम दोनों को ढूंढता रहा मैं, जाने कहां साथ में गायब थे तुम लोग। खून दिलचस्पी से देखता हुआ योगेश कुछ ज्यादा ही मुस्करा रहा था, जबकि वर्तिका उसी बुझे अंदाज में धीरे से कहती है, कल मैं जल्दी घर वापस चली गई थी। क्यों? तो फिर अरुण आपकी रुआसी होती हुई एकदम से उसके सामने खड़ी होती हुई कहती है, एक चीज बताओ मुझ में तुम्हें कोई खामी नजर आती है, देखो मुझे ध्यान से, क्या मैं आकर्षक नहीं हूँ। वर्तिका के पूछते थोड़ा हिचकिचाते हुए योगेश कहता है, नहीं किसने कहा, कल उन सब लड़कियों में तुम्हारा जलवा कुछ कम नहीं था। फिर क्यों अरुण मुझे नहीं देखता, क्यों वह मेरे इतना करीब जाने पर भी कुछ महसूस नहीं करता, आखिर क्यों? कल उससे कुछ बात हुई तुम्हारी? बात करता तो ठीक था, कुछ नहीं कहता, बस मुझसे जैसे दूर भागता रहता है, कहीं योगेश उसके जीवन में कोई और तो नहीं आ गई और हमें पता ही न हो। अचानक से उलझी हुई वह योगेश से पूछती है, अरे 100% इसका जवाब नहीं है, कुछ भी ऐसा होता तो मुझसे छुपने वाला नहीं था, वैसे उसकी बात को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कल उसका मूड न हो तो आज जाकर मिलो, यार हम तीनों एक दूसरे को स्कूल समय से जानते हैं, फिर भी तुम उसकी हर बात पर इतना रिएक्ट करती हो। योगेश उस वक्त और इस वक्त में बहुत फर्क है, तुम शायद समझना नहीं चाह रहे या समझ नहीं रहे, जब सब कुछ हमारे बीच से मिला है तब बस उसकी एक हाँ के लिए मैं तरस रही हूँ, जबकि मैं उसके प्रति अपना सब समर्पण करने को तैयार हूँ, बस एक बार वह मुझे नजर भर कर देख ले बस। अच्छा रुको, मैं आज ही उससे बात करता हूँ और उसके दिल के सारा राज निकलवाता हूँ कि बॉस का माजरा क्या है, तब तक तुम आराम से घर जाओ, मैं हूँ ना। ओके थैंक्स योगेश, तुम कम से कम दोस्ती तो निभा रहे हो, अरुण तो मुझसे बेगानों की तरह व्यवहार करता है, उसका ऐसा बिहेवियर मुझसे हजम ही नहीं होता। डोंट वरी, चिल मारो यार और ये लो खाओ, कहता हुआ वह उसके हाथ में कोई गुलाबी टेबलेट रखता हुआ कहता है, ये क्या है? डाइजिन उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, अरे अभी तुमने ही तो कहा हजम नहीं होता, कहता हुआ योगेश खुलकर हंस पड़ा। उसकी इस हरकत पर वर्तिका नाराज होती टेबलेट उसकी मेज पर वापस पटकती हुई उठ जाती है। उसे अब गुस्से में जाता हुआ देख योगेश पीछे से हंसता हुआ कहता रहा, अरे मजाक कर रहा था वर्तिका, सुनो तो, लो चली गई, यार योगेश तुझ पर ये मस्ती किसी दिन भारी न पड़ जाए, इसलिए बी सीरियस समझाना। खुद को समझाता हुआ योगेश टेबल पर रखी बेल बजा देता है। अपने केबिन में बैठा आकाश बुरी तरह से पस्त हाव भाव के साथ अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था। अभी जो कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी शायद उसी के कारण उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे। अब तुरंत ही मोबाइल रखकर टेबल पर रखी इंस्ट्रूमेंट से कहीं कॉल लगाता है। फोन तुरंत ही उठा लिया जाता है और दूसरी ओर से बहुत ही हल्के हाव से पूछा जाता है, हाँ कौन बे? मैं बोल रहा हूँ इडियट। ओह आकाश सर, वो क्या है ना इसमें नंबर नहीं दिखता इसलिए पता ही नहीं चलता कि किसने फोन मिलाया, नहीं तो आपकी आवाज तो मैं सपने में भी पहचान लूँ। अपनी
बकवास मत सुनाओ मुझे, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस बिच ने मुझे अभी भी परेशान कर रखा है और तुम अब तक उसका पता भी नहीं लगा सके। आखिर मैं तुम्हें बोटियां किस बात की डालता हूँ? आकाश बुरी तरह दांत पीसते हुए कहता है। कौन बिच? ओ सर जी, वो स्टेला सर, बस 2 दिन की और मोहलत दे दो, जिंदा नहीं तो मुर्दा उसे आपके सामने पेश कर देंगे। भरोसा रखो सर जी, आपका काम कभी रुका है? आवाज से लग रहा था कि वह बहुत खुश होता हुआ कह रहा था, जबकि आकाश के तेवर चढ़ते जा रहे थे। रुका नहीं पर खराब जरूर करते हो काम, अब की कोई गड़बड़ हुई ना तो मेरी गोली सीधे तुम्हारे इस सदे हुए भेजे को चीरती हुई निकलेगी, समझे? अरे सर ऐसा क्यों बोलते हैं, अपन तो आपका गुलाम है, बस आप देखते जाओ, अब की कोई गड़बड़ होने ही नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, गुस्से में आखिरी वाक्य बोलता हुआ रिसीवर पटक देता है। आकाश के रिसीवर रखते वह गुंडा टाइप आदमी अपनी नजरों के सामने पंचर बनाते हुए दूसरे आदमी को आवाज लगाता हुआ कहता है, चल बे पंटा अपने काम पर लग जा। ये सुनते वह आदमी झट से ट्यूब छोड़कर खड़ा होता हुआ कहता है, बताओ बॉस किसको उड़ाना है? अबे घास लेट के ढक्कन हरदम उड़ाने में ही लगा रहता है, पता लगाना है उसका जिसकी तस्वीर दी थी तुझे, समझी? और जो तूने कोई गड़बड़ की न तो याद रखना, मेरी गोली सीधे तुम्हारे इस सदे हुए भेजे को चीरती हुई निकलेगी, समझे? है बॉस, ये तो नया डायलॉग मारे हो। हाँ नया है और तुझसे ही शुरुआत भी करूँगा, चल हट। वह उसे इस तरह हटाता है जिससे वह तुरंत टायर उठाकर गाड़ी की ओर तेजी से भागने लगता है। बाहर से आते मेनका सीधे अपने कमरे में चली गई। बहुत देर तक तकिया में मुंह ढापे रोती रही पर घर के किसी भी सदस्य का उसका ध्यान ही नहीं गया। सभी अपने में मशगूल रहते थे। घर के नौकर चाकरों ने मेनका को रोते देखा पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की, और ऐसा कोई पहली नहीं हुआ। इस घर में हमेशा ही सबकी अपनी दुनिया होती जिसमें वे हमेशा ही व्यस्त रहते। बस वार्षिक त्योहारों या घरेलू पार्टीज में सभी एक साथ एकत्र होते क्योंकि घर को जोड़ने वाली श्रृंखला अब कमजोर हो चली थी। दादाजी वे सेठ घनश्याम के चाचा जी थे और उनके माता पिता के बाद से उनका ध्यान रखते आ रहे थे और इस कारण उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। परिवार के बीच रहते हुए भी वे किसी सन्यासी की तरह रहते, बस अरुण ही था जो उनके पास रोजाना आता और उन्हें सुबह एक बार जरूर अपने साथ बाहर ले जाता। उसे दादाजी के साथ समय बिताना अच्छा लगता, दादाजी भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। यही कारण था कि ये 4 साल उन्होंने बस अरुण के इंतजार में ही काट दिए। हीरामन काका से नहीं रहा गया तो वे दादाजी को मेनका के बारे में बता देते हैं। ये सुनते वे छड़ी टेकते मेनका के कमरे तक चल देते हैं। कौन है? कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। दरवाजे की दस्तक पर मेनका लेटे लेटे ही चीखती है, मैं हूँ तेरा दादा बिटिया। आवाज सुनते मेनका फुर्ती के साथ उठती है और दादाजी को सहारा देते हुए उन्हें आराम से बैठाती हुई कहती है, आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर क्यों आए? मुझे बुलवा लिया होता, आपको डॉक्टर ने सीढ़ियां चने से मना किया है ना? वह प्यार से उनका हाथ पके हुए कहती है, अरे डॉक्टर का तो काम ही है मना करना, वो बेड रेस्ट को बोलेगा तो क्या बिस्तर पर ही पड़ा रहूंगा? बड़े दिन से तुझसे मिलने की इच्छा थी सो चला आया, तुझे तो अपने दादाजी की याद आती ही नहीं। ऐसा नहीं है दादाजी, जल्दी से उनके हाथ को पकड़ती हुई कहती है, वो नया कॉलेज है न तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। वह सर नीचे किए कहती है, अच्छा हाँ पंचगनी छोड़ दिया था ना, अच्छा ही किया, सब घर में रहते हैं तो हलचल बनी रहती है, भले ही न मिले पर लगता है सब घर पर तो है। अच्छा कॉलेज बदला तो पढ़ाई भी संभालती पड़ती होगी, अभी परीक्षा चल रही होगी ना? मेनका कहीं खोई हुई जमीन को घूर रही थी पर अनुभवी आंखें जैसे उसके मन का हाल सब समझ रही थी। वे प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहते रहे, मन परेशान हुआ करे तो आ जाया करो बिटिया, और अगर लगे अपने दादा से कुछ मन की बात सकती हो तो कह दिया करो, मन में यूं ही रखने से मन भारी हो जाता है न, समझो घड़ा है जो भरते भरते कभी कभी उफन ही पड़ता है। मेनका चुपचाप खामोशी से उनकी बात सुनती रही और वे भी कहते रहे, आंसुओं की अपनी कोई भाषा नहीं होती वरना वे आंखों से बहते हुए खुद ही अपना दर्द कह सुनाते, इसलिए हमें ही अपने मन की व्यथा को बताना पड़ता है, इस घुटन से खुद को खुद ही निकालना पड़ता है, इसलिए जब लगे कुछ मन की बात सकती हो तो बांट लेना चाहिए, अच्छा होता है इससे मन
दादाजी बात कुछ नहीं होती, फिर भी कभी कभी मन इतना भर आता है कि आंख अपने आप भर आती है। मुझे यहाँ बहुत घुटन महसूस होती है। कहने को परिवार में सभी है, पर किसी के पास आपस में कहने सुनने का वक्त ही नहीं। मुझे तो लगता है इससे अच्छा तो मैं हॉस्टल में थी, कम से लगता तो था कि मैं अजनबियों के बीच हूँ। दादाजी मेनका का दर्द समझ रहे थे और अच्छे से जानते थे इस घर की व्यथा को भी, कि बस किसी मृगतृष्णा पीछे सब भाग रहे हैं और हासिल कुछ नहीं है। सोचते हुए वे गहरी सांस भीतर लेते हैं। मेनका अब उनकी गोद में सर रखे चुपचाप दो बूंद गालों से लुढ़का लेती है। दीवान मेंशन में सबकी जिंदगी अलग अलग उलझी है। आखिर क्या होना है उनके जीवन में, जानने के लिए सुनते रहे और कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।